साल बाद। आप सोचिए कि इन लोगों की नियत क्या है। बहुत स्पष्ट है, सत्ता में रहने के लिए चुनाव के समय आपके सामने कुछ भी कह डालेंगे, कुछ भी कह डालेंगे, कैसे कैसे बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव चले जाता है आपको भूल जाते हैं। जैसे ये सब बातें खत्म, प्रचार खत्म, जैसे अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टरों में पैसे ला रहे हैं, एम्बुलेंस में शराब आ रही है, अगर ये सच्चाई है तो आप सोचिए कि सबक सिखा दीजिए कि पैसों से चुनाव नहीं जितवाएंगे आप, कि आप अपने भविष्य के आधार पर अपना वोट देंगे। आप शिक्षित हैं, समझदार हैं। अग्निहोत्री जी ने कहा इंदिरा जी ने यह प्रदेश बनाया, लेकिन इंदिरा जी हमेशा कहती थी हिमाचल प्रदेश की जनता ने हिमाचल प्रदेश को बनाया है। भरोसा था आप में और आप उन पर भरोसा करते थे, इसीलिए परमार जी जैसे, वीरभद्र सिंह जी जैसे नेता आपको मिले, आप ही की जमीन से उभरे। अग्निहोत्री जी को देखिए, दिन रात आपके लिए एक करते हैं, सुबह शाम आपके लिए काम करते हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष में होते हुए आपकी आवाज दिन रात उठाते हैं। और भाजपा के नेताओं को देखिए, यहां इस धरती पर आकर क्या कहते हैं, झूठे वादे करते हैं और आपसे कहते हैं कि दवाई बार बार बदलने से बीमारी नहीं छूटती। कौन बीमार है भाई? बीमार हो क्या? हिमाचल प्रदेश बीमार है क्या? हिमाचल प्रदेश की जनता बीमार है? देखिए किस नजरिए से आपको देखा जा रहा है, कि आपको बताया जा रहा है कि बीमार हो दवाई बदलते मत रहो, वही पुरानी दवाई खाते जाओ, ये बताया जा रहा है आपको। समझ लो, गुमराह किया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश घाटे में है, 70,000 करोड़ का कर्ज है, प्रदेश के 20 निगम और बोर्ड घाटे में हैं, कर्मचारियों को दिवाली का